तो अभी हम लोग जो विवाह मंडप है उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका टिकट प्राइस है ना इंडियन के लिए जो है ना 7 रुपये है, और जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं नेपाल के वहाँ पे उनको 10 रुपये देना पड़ता है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे का हिस्सा देख रहे ना, जानकी मंदिर का विवाह मंडप है आप देख रहे हैं। ये विवाह मंडप है भगवान राम और माता सीता की जो शादी हुई थी ना, उसका ये मंडप बना हुआ है। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ भी मॉर्निंग में जो है ना अच्छे खासे लोग आते हैं यहाँ पे। और ये वाकई में जो है ना एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर आपका कंस्ट्रक्शन देखेंगे ये मंडप का जो कंस्ट्रक्शन, अगर आप देखिए ये जो नेपाल का जो कंस्ट्रक्शन है काठमांडू, अगर आपने बहुत सारे वीडियो भी देखा होगा सेम इसी तरह उसी पैटर्न पे जो कंस्ट्रक्शन बना गया है। ये मंडप का परिसर है। देख रहे हैं सामने जानकी मंदिर। ये पीछे छोटा सा गार्डन है मंडप के जस्ट पीछे, छोटा सा गार्डन। दोस्तों जो मंडप है विवाह मंडप, इसके मैं जस्ट पीछे का हिस्से में हूँ अभी। तो इस तरह से दिखता है पीछे का हिस्सा। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन भी है। दशरथ जी, यहाँ वशिष्ठ मुनि, यहाँ विश्वामित्र गुरु जी, यहाँ चार भाई और चार बहनों को ब्याह हुआ है। देवता लोग को जितना जयंती देख रहे हैं भगवान के चारों तरफ खंभे में लगे हुए हैं। ये जो लगे हुए कुछ सभी भगवान है त्रेता युग, ऐसे घूम के दर्शन करेंगे तो त्रेता युग के फल में दर्शन भगवान युग की परिक्रमा करना, परिक्रमा करना। यहाँ चारों धाम के एक ही बार विवाह मंडप आने पर उसको फल होता है। चारों भाई और चारों बहनी चारों दिशाओं में अपने बैठे रहते हैं। चारों भाई के कोहबर भाई सोमवार भगवान, चारों भाई मतलब भगवान राम के, चारों भाई और चारों बहनी चारों तरफ चारों कोनों में मिलेंगे। यहाँ उनके चार आत्रा देव फल उनको यहाँ स्वयं भेंट जाता है विवाह मंडप में आने से। यहाँ यही फल है कि कन्यादान अपना 11 रुपया से ऊपर कर रहे इच्छा पूर्ण से उनको कन्यादान का फल भी यहाँ मिलता है। और ये जो बताइए भगवान की जो भगवान राम के बाद में जो बैठे हुए सब वो चंद्रकला और चार शिला है जानकी जी के दोस्त सखी। और जो मेरा वाला ताजी उनके नाम बताया ना, जनक जी है, सुनैना रानी है, सदानंद पंडित जी है, कौशल जी महाराज है, सुदर्शना रानी है, इधर से बोले दशरथ जी महाराज है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र गुरु जी, चंद्रकला और चार शिला। पूजोटा कोथाय देबे के जाने सब आदमी को शुक्ला दे रामायण में भी देखते होंगे इतने आदमी तो वहाँ पर से उपलब्धि होती है, वहाँ लिखी होती है विवाह मंडप में ऐसे विवाह हो चारों भाई के चारों कोने में चारों को बगल में बैठे रहते हैं, यहाँ लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान दर्शन देते उसी टाइम में। बस यहाँ के कहानी खत्म है, यहाँ मन में अपना सीताराम कीजिए, इसमें कन्यादान कीजिए, उनकी फल यहाँ दोस्तों। यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है और जैसे मैंने आपने वीडियो में देखा कि यहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बाकायदा इस विवाह मंडप के बारे में एक प्राचीन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरीके से भगवान राम और माता सीता की शादी में कौन कौन लोग आए थे,
अंदर जो मूर्तियाँ रखी हुई है, सो किन किन का मूर्ति है यहाँ पे, तो सबके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। तो ये जो विवाह मंडप का है, जैसे चक्कर ले रहा हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ। और एक बार बताऊँ मैं आपको, ये काफ़ी साफ सुथरी जगह है, यहाँ पे इसको काफ़ी लोगों ने मेंटेन करके रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इसमें मतलब बहुत सारे श्रद्धालु मॉर्निंग में, खासकर शाम को भी बहुत सारे लोग आते हैं, और जो आपने देखा इतनी सारी भीड़ है। तो पंडित जी यहाँ पे जब बता रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सुन रहे थे बाकायदा। जनरली क्या होता है इस जगह के बारे में, आपको अगर डिटेल जाननी है तो यहाँ के जो पुजारी है, यहाँ के जो मेन लोग हैं उनसे ही जानी है, वो आपको डिटेल में बता पाएंगे। रामायण के हिसाब से जो है ना, वो आपको यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के इतिहास के बारे में डिटेल में आपको बताएंगे, जो हम लोग नहीं बता सकते। दोस्तों तो अभी यहाँ पे कुछ मंदिर है, देखते हैं वो मंदिर कैसे, कौन से भगवान का मंदिर का जब सुन था। दोस्तों तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। ये जो विवाह मंडप का जो मैंने वीडियो दिखाया है, ऑलमोस्ट हर हिस्से सारे परिसर मैंने कवर किया है। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो यहाँ से नीचे चलते हैं।